के दरबार में सरकार। सीएम के ओएसडी एमएलए एमपी ने सफाई अभियान के बहाने लगाई हाजिरी। स्वाति मालीवाल बोली, तमाशा शुरू। राम रहीम के अनुयायियों ने सोमवार को हरियाणा में सफाई अभियान चलाया। इस सफाई अभियान के बहाने हरियाणा सरकार के सांसद, भाजपा विधायकों और निकायों के चेयरमैनों ने राम रहीम से राजनीतिक आशीर्वाद लिया। सभी ने बारी बारी राम रहीम से ऑनलाइन और फोन पर संवाद करके अपनी हाजिरी लगाई। हालांकि प्रदेश के कांग्रेसी जजपा विधायकों ने इस सफाई अभियान से दूरी बनाए रखी। वहीं राम रहीम से आशीर्वाद लेने वालों में हरियाणा के राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार और सीएम मनोहर लाल के ओएसडी पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, परिवहन मंत्री के भाई गुलहत चीका, विधायक की पुत्रवधू से लेकर कई निकायों के चेयरमैन शामिल रहे। राम रहीम जब पिछली बार पैरोल पर आया था तो हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगावा ने उनसे आशीर्वाद लिया था। वे राम रहीम के अनुयायी हैं। करनाल से डिप्टी मेयर नवीन कुमार, कुरुक्षेत्र से नगर परिषद चेयरपर्सन, फरीदाबाद से भाजपा विधायक सीमा त्रिखा, गुरुग्राम से नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर नरेश फतेहाबाद, नगर परिषद अध्यक्ष राजेंद्र, वाइस चेयरपर्सन सुनीता रोहतक से पूर्व भाजपा मंत्री मनीष ग्रोवर, मेयर मनोहर लाल गोयल, डिप्टी मेयर राजकमल कैथल, नगर परिषद चेयरपर्सन श्रुति गर्ग, हिसार से मेयर गौतम सरदाना, बल्लभगढ़ से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई त्रिलोचन शर्मा, सोनीपत से नगर पार्षद, पिहोवा से नगर परिषद चेयरमैन व पार्षद, पानीपत विधायक प्रमोद विज, डिप्टी मेयर अंजलि शर्मा, रेवाड़ी नगर परिषद वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर ने आशीर्वाद लिया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।